उल्टा हुआ है। और सब ठीक ठाक। तो गाइस आज हम अपने बढ़ते कदम रखते हैं एक स्पेशल जगह जिसको आसान शब्दों में कहते हैं वे मॉल। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, नहीं देखा हो तो आज हम दिखाने वाले हैं आपको वे मॉल। वो काफ़ी हाई कॉस्टली का है, तो हम कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन हम भी कुछ एंटरटेन करेंगे तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे एंटरटेन करते हैं वहाँ की जगह। वो सिनेमा भी है वो, और मेरे साथ जाने वाला है मेरा भांजा अर्श इदी बिगड़ा नवाब, ये है। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज हम वहाँ पहुँचेंगे, और चैनल पर नए हो तो चैनल कर लो सब्सक्राइब, और वीडियो के अंत तक बने रहो, और प्लीज़ लाइक कमेंट भी करना, और यार सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार, इनको व्यूज नहीं आ रहे बिल्कुल नहीं यार, सपोर्ट करो। तो चलते हैं, है ना? चलो चलो गाइस, फाइनली पहुंच चुके हैं हम वेव मॉल। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, और बहुत गर्मी पड़ रही है इस टाइम, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, फिर भी हम आ चुके हैं यहाँ पर और दिखाते हैं आप लोगों के खातिर, सिर्फ आप लोगों के खातिर। देखो हम दिखाते हैं आपको वेव, तो गाइस ये है वेव, अभी हम दिखाएंगे आपको अंदर से भी, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ का रोड है, इधर यहाँ से आते हैं और इधर को, ये है जाने का इसका रास्ता। अब हम दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से ये कैसे कैसे है, कैसा है, और आपको अच्छा लगे तो आप भी आना। तो गाइस वहाँ है इसकी पार्किंग, ये है जहाँ पर सब गाड़ी वगैरह खड़ी होती हैं, और इसके पीछे ही MIT कॉलेज है, और ये इसका है ग्रीन मेडो। दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये ऐसा है, दिखाते हैं आपको आगे तक भी। ये इसका एंट्री गेट नंबर 1, ये देखिएगा, यहाँ से करते हैं एंट्री। ये देखो गाइस, ये इस तरीके से बाहर से दिखता है, और अब हम जाएंगे अंदर की ओर। ये देखिए यहाँ पर आज बंद है सब, तो ये कैंटीन है, ये रोड मेंटी पता नहीं क्या है, मेरे को जानकारी नहीं इसके बारे में। ये भी कैंटीन है, डस्टबिन रखा है यहाँ पर, भी बैठने के से तरीके हैं, और ये बच्चों के लिए है।
वेब के अंदर एंट्री और हम दिखाएंगे आपको यहाँ कुछ। तो गाइज ये है सेल, आप देख रहे हैं इसके अंदर कैसा कैसा है। ये लेवल ब्रांड ऋतु कुमार की, ये भी सेल है। और ये डियो की ब्रांड है एंड दिस इज सेलियो। दिस इज बेबी ब्लेसिंग जो कि आज बंद है एंड दिस इज जॉन प्लेयर जो कि अभी तैयार हो रहा है, अभी पूरी तरीके से तैयार नहीं है। ये नवाब साहिब एंड दिस इज मुफ्ती, वहाँ मुफ्ती, फिर नंबर यूनियन है, शायद नंबर यूनो किंगडम है। ये देखिए मोबाइल यूनिवर्स है, ये आ चुका है बॉक्स ऑफिस। एंड दिस इज ग्लोबल, अंदर जाना है स्पाइकर। अबे ब्लॉग बना रहे हो, क्या करने जा रहे हो? हार्ड चीज यहाँ बहुत कॉस्टली मिलता है। तो इनको ये पसंद आ चुका है। यस, कभी मैं भी ऐसी होऊंगा। ये बस ये गरीब हैं तो बाहर से छू सकते हैं। गरीबी की आलम है। तो गाइस मुझे पसंद आ चुका है ये टेडी बियर, मैं खरीद तो सकता हूँ लेकिन नसीब गर्लफ्रेंड नहीं है, खरीदू किसके लिए? क्या कर सकते हैं रेस्टोरेंट में, हम सिंगल जाए, ये दुख है हमारे लिए। आई एम सिंगल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। क्या करूँ मैं, इसका टेस्ट करूँ? नहीं करूँगा। तो गाइस मैं जितनी भी बार यहाँ पर आया हूँ हमेशा सिंगल ही आया हूँ। एक बार फिर हम आए सिंगल यहाँ पर। और आज तो यार लाइट वगैरह सब बंद है यार यहाँ पर, लेकिन मूवी लगी हुई है आज भी, हम चाहे तो देख लेंगे, लेकिन हमारा दुख ये पीड़ा काहे ख़त्म नहीं होता। तो हम देखेंगे नहीं, देखो हम सोचते तो हमेशा कि गर्लफ्रेंड ले आए, आज तक नहीं मिली। कोई बनी ही नहीं, लायक ही नहीं है। शायद सकल में ही कुछ क्या कह सकते हैं, पहले हम फिल्टर लगा के बहुत अच्छे दिखते हैं। ये प्राइवेसी है, यहाँ पर जाते हैं लोग छुप छुप कर करते हैं, जो समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, यहाँ पर लोग छुप छुप कर करते हैं। अभी कोई हो तो मैं जाऊँगा नहीं, क्या फ़ायदा कोई वीडियो में आ जाए, इसलिए मैं जाऊँगा नहीं। ऊपर को जाने के लिए जीना भी है, यहाँ पर साइड में बैठ जाते हैं कुछ लोग। तो दिखाते हैं आपको बैक कैमरे से कि ऊपर से कैसा दिखता है, नीचे से कैसे दिखता है, और वहाँ मिलते हैं इसके टिकट सामने, दिखाते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर, और ये नीचे से ऐसा दिखता है और ऊपर से ऐसा, और इसके सामने वहाँ पर मिलता है इसका मतलब कि मूवी का टिकट, और
व्यू। तो गाइस यहाँ मिलता है मूवी देखने के लिए टिकट, चाहो तो आप भी देख सकते हो, लगी भी इस टाइम में। तो हम तो देखेंगे नहीं, आपको मालूम है हम कैसे इंसान हैं। एक तो हम सस्ते कतई सिंगल, कतई सिंगल, हम नहीं देखेंगे कुछ भी, ऐसे ही हम तो बस। पर आपको अच्छा लगे तो यार आप कमेंट करना, लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना यार, प्लीज़ सपोर्ट करो यार। आगे भी हम आपको दिखाते रहेंगे, अभी हम दिखाएंगे यहाँ पर नीचे इसके साइड में MIT कॉलेज है, और हम उसके भी नज़ारे कराएंगे आपको। ग्लोबस में शॉपिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। मैं एंट्री करने वाला हूँ ग्लोबस के अंदर, और आपको दिखाता हूँ उसकी कॉस्टली कैसी है। आपको कुछ अच्छा लगा मुझे, हाँ सर, अगर कुछ सस्ता लगा मुझे तो मैं कुछ खरीदने की कोशिश भी करूँगा, कुछ पसंद आया तब भी। देखते हैं, चलते हैं अंदर। शायद पसंद आ गया है। अब इसके प्राइस देख रहे हैं। ओह माय गॉड, प्राइस इसका 2499 रुपए, 2500 रुपए का चश्मा है। कहाँ खरीद पाऊंगा यार मैं, आओ कोश दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप 2499 रुपए चश्मा, और 2499 रुपए ये ग्लोबस के प्राइस हैं। हम जैसे लोग यहाँ कहाँ खरीद पाएंगे कुछ, हम तो वही हैं। और ये इसका प्राइस जला हुआ नहीं है, एक ये है इसका, देखते हैं ये चश्मा भी शायद इसके प्राइस देख लेते हैं। 1799 रुपये, 1799, छोटा वाला ज़्यादा महंगा लग रहा है। तो भाई आप समझ सकते हैं कि मैं तो कैसे कर पाऊँगा इसको। और आगे दिखाते हैं हम आपको, तो गाइस फाइनली मुझे एक टी शर्ट पसंद आई है, प्लस शर्ट भी है उसमें, और मैं देखता हूँ अगर मुझको सही रेट लगे उसके तो मैं खरीदने की कोशिश करूँगा। दिखाता हूँ आपको कौन सी है वो, उससे कह दिया ना वो तो मुझे पता ही। I like this. तो गाइस उस शर्ट की कॉस्ट थी कुछ ज़्यादा, तो मैंने उसको नहीं लिया, 1800 रुपीज़ आ रहा था उसका, मैं नहीं ले पाता उसका। गाइस अब हम चल रहे हैं घर पे, और एग्जिट हो गए हम। ये पुश पुश एंड पुल। ओह शिट यार, दिस इज सो हॉट। ओहो, अंदर इतनी अच्छा एयर कंडीशन था तो अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी अब, और अब लगने स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर। देखिएगा, दिखाते हैं आपको, यहाँ मेला टाइप लगता है, डेली मेला होता बोलते हैं हम इसको। ये देखो, इधर देखो, छोटा छोटा आइटम मिलता है सस्ता बाहर, जैसे फड़ पे लगाते हैं लोग ऐसा। यहाँ ये पुलिस अंकल हैं। तो गाइस ये है यहाँ की पार्किंग वेब की, और वेब के पीछे को है ये MIT बीटेक फार्मेसी, ये MIT कॉलेज है इसके साइड में, और ये वेब है यहाँ तक। इसके इधर को तो हम जाते ही नहीं है कभी, हैं काफ़ी है इधर को भी। इधर है ये वेब ग्रीन, यहाँ पर लोग रहते हैं, ये एक सोसाइटी टाइप है ना।
तो गाइज हम आ चुके हैं वेव से बाहर, अब जाएंगे अपने घर की ओर। और गाइज बस अब यहाँ से निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक करना, कमेंट करना, और यार चैनल पर नए हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब प्लीज़, यार सपोर्ट करो।